हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आपके सामने मारुति की जिम्नी आपके सामने लेकर आया हूं, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नेक्सा की जिम्नी। तो आपके सामने मैं इस गाड़ी को रिव्यू करने जा रहा हूं। तो आपके सामने फर्स्ट मैं इसके बारे में बताता चलूं कि ये जिम्नी 12 जनवरी 2023 को लॉन्च हुई है। तो जिम्नी में इसको आपको कलर मिलेंगे नेक्सा ब्लू, ग्रे, ब्लैक, येलो विथ ब्लैक और रेड विथ ब्लैक। इसका आपको रूफ ब्लैक में मिलेगा। तो आपके सामने ये बताता चलूँ कि इसकी हाइट और विड्थ और इसके बारे में और ज़्यादा दिखाऊंगा। आपको इसकी हाइट मिलेगी 3950 85 mm का मिलेगा। विड्थ इसको 60 45 mm का मिलेगा। हाइट 17-12 mm का मिलेगा। व्हील बेस आपको, जैसे कि व्हील बेस मतलब आपकी गाड़ी का हाइट आपको 259 mm का मिलेगा। ग्रे मतलब आपके ग्रिल के सामने 210 mm का आपको स्पेस मिलेगा, और इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे mm का रहेगा। और इसकी वेट की बात करेंगे तो 112 व्हीकल रहेगा। फिर बाद में इसके बारे में और बताएंगे, और इसकी पावर की बात करेंगे 103 BHP का इसका पावर रहेगा, और इंजन की बात करेंगे 1462 CC का इसका इंजन रहेगा। ट्रांसमिशन इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों मिलेगा। और इसके अंदर एक बात, 5 डोर्स का है तो पांचों आपको डोर्स ओपन और ऑन ऑफ करने के लिए भी मिलेंगे। तो सीटिंग कैपेसिटी इसकी 4 सीटर रहेगी। तो और इसका बूट स्पेस की बात करेंगे तो बूट स्पेस इसका लगेज और जैसे कि थार में था वैसे बूट स्पेस इसके अंदर 190 लीटर का बूट स्पेस भी मिलेगा। इंजन कैपेसिटी आपको 1462 सीसी का इंजन भी मिल रहा है, 4 सीटर भी मिल रहा है। जैसे कि थार में 2 डोर्स थे लेकिन वो पीछे बैठने के लिए प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो इसके लिए नेक्सा जिम्नी ने इसके बारे में सॉल्यूशन निकाल कर 5 डोर्स कर दिया है। और इसके बारे में ज़्यादा बताते हैं, ये फ्यूल आपको पेट्रोल और डीजल में मिलेगी। तो इसकी लॉन्चिंग भी हो चुकी है, तो आप इसको बुक कर सकते हैं या अपना ये गाड़ी को अपना भी बना सकते हैं। तो गुड बाय, और आपको नमस्ते, गुड बाय और टेक केयर।